नमस्ते, मैं रश्मि भगत गरीब बास्केट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी हेडलाइन है इंडियन किचन स्पाइसेस। ये तो आपने पहले ही देख लिया है। तो इंडियन किचन स्पाइस में मैं आज आपको कुछ मसालों से इंट्रोड्यूस कराऊंगी और उसके साथ ही हम उन मसालों को खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी जानेंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है हरी मिर्च। हरी मिर्च खाने में तीखा और झारदार होता है। ये खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे लाभकारी गुण होते हैं, जैसे विटामिन ए, B6, सी, आयरन, कॉपर, पोटेशियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में फ़ायदेमंद है। अगर आपको डायबिटीज़ है और ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम है तो भी ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखेगा, या कह सकते हैं कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी रहता है, जिसके वजह से ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए बंद नाक का खुल जाना, ये कैंसर से लड़ने और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भी फायदेमंद है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर के आंतरिक सफाई के साथ साथ फ्री रेडिकल से बचाकर कैंसर के खतरे को कम करती है। इसको खाने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी कम होता है, इसीलिए धूम्रपान करने वालों को हरी मिर्च को अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उन्हें फेफड़ों के कैंसर का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। अगला है दालचीनी। दालचीनी का पौधा जितना छोटा होता है उनके गुण उतने ही बड़े होते हैं। दालचीनी की सूखी पत्तियाँ और छाल को मसालों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इसकी छाल थोड़ी मोटी, चिकनी और हल्के भूरे रंग की होती है। दालचीनी मोटापा कम करने के साथ साथ कई बीमारियों को भी दूर रखता है। यह रक्त शोधक भी है। शहद और दालचीनी को मिलाकर दिल की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल, त्वचा के रोग, सर्दी जुकाम और पेट की बीमारियों के लिए फायदेमंद है। सर्दी जुकाम होने पर दालचीनी का प्रयोग करना चाहिए। एक चम्मच शहद में थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर मिलाकर सुबह शाम लेने से खांसी जुकाम में आराम मिलता है। हल्के गर्म पानी में दालचीनी का पाउडर और थोड़े से शहद को मिलाकर शरीर में दर्द वाले अंग पर लगाकर हल्के हाथों से मालिश करने से फायदा होता है। त्वचा में खाज और खुजली होने पर दालचीनी का पाउडर और शहद बराबर मात्रा में लेकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को लगाने से त्वचा की यह समस्या दूर होती है। इसके अलावा दालचीनी के प्रयोग से उल्टी और दस्त में भी आराम दिलाता है। एक चम्मच शहद के साथ थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर लेने से पेट दर्द और एसिडिटी में आराम मिलता है और भोजन भी आसानी से पच जाते हैं। अब बढ़ते हैं जीरे की ओर। खाने का स्वाद बढ़ाने के अलावा जीरा आपके स्वास्थ्य को भी बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फ्लेटुलेंट गुणों का घर माना जाता है। इसके अलावा ये डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीज, सेलेनियम, जिंक, विटामिन और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जीरा पाउडर को दही के साथ मिलाकर के खाने से वजन घटता है। जीरे में विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, जिससे यह त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत कारगर होता है। इसमें प्राकृतिक तेल होने के साथ साथ एंटी फंगल गुण भी होते हैं, जिनसे त्वचा इन्फेक्शन से बची रहती है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन ई त्वचा पर होने वाले उम्र का असर कम करता है। जीरे को यूज करके आप रूसी से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसे आप अपने तेल में थोड़ा गर्म करके इस गुनगुने तेल से सिर पर मसाज कीजिए और रूसी से छुटकारा पा लीजिए। सरसों के तेल और सरसों के दाने खाने में स्वाद तो बढ़ाते ही हैं,
और सरसों के तेल के फायदे तो हम सभी जानते हैं। आज हम देखेंगे कि सरसों के दाने के क्या-क्या फायदे हैं। सरसों के दाने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर होता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। इसे आप अपने खाने में शामिल करके अपने शरीर से ऑक्सीडेंट्स को दूर कर सकते हैं। और यह डाइट्री फाइबर से भरपूर होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। आप अपने स्किन की डेड सेल्स को निकालने के लिए सरसों के पाउडर को स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो 1 चम्मच सरसों का पाउडर और 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिला करके पेस्ट बना लें और इसे फेस पैक की तरह यूज़ करें। अगर आप दमा से पीड़ित हैं तो सरसों के बीज एक अच्छा उपाय है। सरसों में मैग्नीशियम और तांबे के रूप में खनिज शामिल है, जो दमा के हमले से इलाज पाने के लिए काफ़ी लाभकारी है। खाने में मैग्नीशियम की कमी माइग्रेन का मुख्य कारण है। सरसों के बीज में अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जिससे आपके शरीर में मैग्नीशियम का स्तर बढ़ जाता है। ओमेगा 3 फैटी अम्ल माइग्रेन की समस्या के इलाज में लाभकारी है। मेथी दाना सुगंध और स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले के रूप में हर घर में यूज़ किया जाता है। मेथी दाने को पानी में उबालकर हल्का गुनगुना रहने पर पीना लाभकारी होता है। भीगे उबले मेथी दानों को खाया भी जा सकता है। मेथी दाने में टस तत्व होता है, जो मछली के तेल के गुणों के समान होता है। मेथी में लेसिथीन तत्व होता है, जो मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करता है। रोजाना सुबह के वक्त भूखे पेट मेथी दाने को चबाने से मोटापा कम होता है। मेथी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। मेथी को खाने से दिल की बीमारियों में राहत मिलती है। मेथी में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो डायबिटीज को खत्म करने में मददगार हैं। स्किन को सुंदर करना हो और चेहरे पे फुंसियाँ हैं तो मेथी का सेवन करते रहें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। मेथी के दानों का सेवन करते रहने से बाल से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं। मेथी के दानों को भूनकर पीसकर सुबह शाम आधा आधा चम्मच खाने से बुढ़ापे में होने वाले दर्द से लाभ मिलता है। चोट की वजह से सूजन आ गई है तो गेहूं का आटा और मेथी का पाउडर का पेस्ट बना लें। अब इसे सूजन वाले जगह पर लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। मेथी के दानों को रोज खाने से हार्ट अटैक की संभावना कम हो जाती है। इसे रोज खाने से कब्ज की समस्या कम होती है। मेथी दानों का लेप जोड़ों के दर्द के लिए भी लाभकारी है। चलिए अब चलते हैं लौंग की तरफ। लौंग की भारतीय खाने में खास जगह है। इसके उपयोग से खाने में स्वाद के साथ साथ कुछ अहम गुण भी जुड़ जाते हैं। इसका उपयोग तेल व एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। लौंग में आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने के कई गुण होते हैं। दांतों में होने वाले दर्द में लौंग के इस्तेमाल से निजात मिलती है, और यही कारण है कि 99% टूथपेस्ट में होने वाले पदार्थ की लिस्ट में लौंग खास तौर पे शामिल होती है। खांसी और बदबूदार सांसें के इलाज के लिए लौंग बहुत कारगर है। लौंग का नियमित इस्तेमाल इन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। आप लौंग को अपने खाने में या फिर सौंफ के साथ ऐसे ही खा सकते हैं। लौंग में दिमागी स्ट्रेस को कम करने की भी गुण होती है। लौंग को आप तुलसी, पुदीना और इलायची के साथ इस्तेमाल करके खुशबूदार चाय बना सकते हैं, और चाहे तो यही मिक्स आप शहद के साथ इस्तेमाल करके स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। अजवाइन कई स्वास्थ्य और औषधीय गुण के लिए जाना जाता है, और साथ ही साथ भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए भी इसकी अहम भूमिका है। तभी तो यह जड़ी बूटी हर किचन में राज करता है।
ये पाचन कार्यों की क्षमता को मजबूत करता है, गैस को कम करता है, बैक्टीरिया एवं फंगी के खिलाफ काम करता है, खांसी और अस्थमा के उपचार में भी प्रभावी है, सर्दी जुकाम खांसी को कम करने के लिए भी प्रभावी है, आपको पेय पदार्थों से छुटकारा दिलाता है, दांतों के दर्द में राहत दिलाता है, इसके बीज से गुर्दे की पथरी को ठीक की जा सकती है, शरीर में पानी के जमाव को कम करता है, आपके चेहरे को निखारता है, भूख भी बढ़ाता है, उल्टी और मुंह की बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। अरे अरे रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी तो और भी बाकी है। मैं मजाक कर रही हूँ, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।